डेविन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ बायोचिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस। टुडे वी विल डिस्कसिंग ऑन राज्येष्मा। सबसे पहले कि राज्येष्मा क्या होता है, कहाँ का रोग होता है, किस प्रकार के दोषों के इसके अंदर वृद्धि होती है, किस प्रकार के लक्षण आते हैं, लक्षणों के अनुसार और दोषों की दृष्टि के अनुसार किस प्रकार से व्याधि का संप्राप्ति चक्र बनता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है कैसे हम व्याधि की चिकित्सा करते हैं, यह सब भी हम इस सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि राज्येष्मा का मतलब क्या होता है। यह राज्येष्मा में दो शब्द जो है इसे मिलकर ये बना है, राज एक राज और यक्षमा। राज जो है ये राजा से तात्पर्य है और यक्षमा जो है ये है रोग के लिए आया है, अर्थात राजा का रूप। सर्वप्रथम यह नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को व्याधि हुई थी, ऐसा पौराणिक मान्यता है, इसीलिए व्याधि का नाम राज्येष्मा रखा गया। अगर व्याधि के हम दूसरे पर्याय और देखें या यक्षमा के पर्याय देखें, तो यक्षमा से तात्पर्य होता है क्रोध, यक्षमा, ज्वर, रोग और दुख। ये सभी जो है एक ही यक्षमा शब्द के पर्याय हैं। यहाँ पे अगर हम व्याधि जो है राज्येष्मा जो है इसमें विशेष रूप से होता क्या है, राज्येष्मा के अंदर विशेष रूप से रसादी धातुओं का शोषण होता है। रसादी धातुओं के शोषण के कारण राज्येष्मा को कोष भी कहा गया है, लेकिन राज्येष्मा में और कोष के अंदर कुछ अंतर होता है, जो कि इस प्रकार से है कि राज्येष्मा जो है इसके और भी हालांकि कारण बताए गए हैं, लेकिन मॉडर्न में अगर हम राज्येष्मा को ट्यूबरक्युलोसिस से रिलेट करते हैं तो यह एक तरह का इंफेक्शियस रोग है। इसमें राज्येष्मा के जो है प्रसादी धातुओं के शोष के अलावा रक्त स्थूलन, श्वास काश, ज्वर, इस तरह के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जबकि शोष व्याधि में प्रसादी धातुओं का शोष होता है और दूसरे जो है ज्वर, श्वास काश, रक्त स्थूलन, रक्त वहन, इस तरह के लक्षण वहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। तो यह इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन शोष को राज्येष्मा का पर्याय रखा गया है रसादी धातुओं के शोष के कारण। अब इसके अंदर और भी जो है जैसे शरीर के बाह्य और आभ्यंतर जो सभी क्रियाएं हैं इनका क्षय होता है, करने के कारण भी इसको क्षय कहा गया है। अगर हम राज्येष्मा के निदान देखें तो राज्येष्मा के अंदर वेदों का धारण करना, साहस, क्षय, विषमाशन और ये सभी जो है इसके कारण बताए गए हैं। राज्येष्मा के जो कारण हैं इनके अंदर जैसे एक तो अयथा बल का आरंभ बताया गया है, यानी अपनी शक्ति से अधिक कार्य करना और मल मूत्र आदि के वेग को रोकना, वेग संधारण एवं जो है धातुओं का क्षय हो जाना, विषम भोजन करना, ये सभी राज्येष्मा रोग के कारण बताए गए हैं। अगर हम यहाँ पे जो है राज्येष्मा के कारण के अनुसार उसके संप्राप्ति और लक्षण देखें तो वे कुछ इस प्रकार से हैं कि जो है सबसे पहले जैसे अयथा बल आरंभ जो साहस जन्य यक्षमा है इसकी संप्राप्ति और लक्षण हम देखते हैं। इसके अंदर कहा गया है कि अपनी शक्ति से अधिक जो हमसे अधिक बलवान है ऐसे पुरुष के साथ में अगर युद्ध करते हुए लड़ाई कुश्ती करते हैं, अत्यधिक काल तक उच्च स्वर से अध्ययन करते हैं और अधिक जो है भार उठाना, अत्यधिक सह का रास्ता चलना, अत्यधिक लंघन करना, लवन करना, अधिक उच्च स्थान से गिर जाना, अधिक चोट लगना अथवा अन्य दूसरे प्रकार के अत्यधिक साहस जो कि अपनी शक्ति से अधिक हो, इस प्रकार के कारणों कार्यों को करने की वजह से जो है साहस जन्य राज्येष्मा की उत्पत्ति होती है। ये सभी कार्य करने से फुफ्फुस के फट जाने से वात का प्रकोप हो जाता है, एम पित्त और कफ जो है इनको वात उभार करके शरीर के विभिन्न प्रदेशों में जो है उसका कोप कर देती है। यह कुपित वायु पित्त और कफ को लेकर जो है सिर प्रदेश में स्थित होती है, शुरू करती है, गले में स्थित होती है, कंठ ध्वंस कर देती है, का स्वर भी जरूर पार्श्व में स्थित होती है, पार्श्व
प्रदेश में स्थित होती है, तो अतिसार संधियों में स्थित होकर के, और जो है ना जम्भाई ज्वार उन्हें प्रदेश में स्थित होकर उन्हें फूल, इस तरह के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार अधिक साहस करने से उत्पन्न राजेश्मा, इन उपयुक्त जो हमने अभी साहस जन्य राजेश्मा के अंदर अभी हमने एकादश जो लक्षण देखे जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा आपके सामने, तो इसलिए अपनी शक्ति को जानने वाला जो एक पुरुष है जिसे पता है अपने बल के बारे में कि मेरे शरीर में इतना ही बल है, उस अकॉर्डिंग ही व्यक्ति विशेष को जो है अपने बल का प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक बल का प्रयोग करने की वजह से साहस जन्य राज्यक्षमा की उत्पत्ति हो जाती है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो वेग संधारण जन्य राजेश्मा के कारण संप्राप्ति और लक्षण। जब पुरुष लज्जा के कारण एवं घृणा के कारण या भय के कारण अपनी आई हुई अपान वायु मूत्र पुरुष के वेग को रोक लेता है, तो वेगों को रोकने से कुपित हुई वायु पित्त और कफ को उभारती हुई शरीर में पूर्व अधः और तीर्यक प्रदेश में गमन कर रोगों को उत्पन्न करती है, जैसे प्रतिशाय, कास, स्वरभेद, अरोचक, पार्श्वपीड़ा, शिरःशूल, ज्वर, अंसावमर्द, अंत प्रदेश के अंदर मर्दन की वेदना, अंगमर्द, बार बार वमन, तीनों वातादि दोषों के लक्षणों से युक्त अतिसार रोग को उत्पन्न करती है। वेग रोग के कारण ये एकादश लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन एकादश लक्षणों के होने से ही इसको जो रोग को ऐसा कहा गया है, राजेश्मा कहा गया है। इसी क्रम में अगर हम देखें कि धातु क्षय जन्य राजेश्मा के कारण संप्राप्ति और लक्षण, तो इसमें धातु क्षय जन्य राजेश्मा में किस तरह के कारण संप्राप्ति और लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे ईर्ष्या, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक, इनके द्वारा जिन लोगों का शरीर अति कृष्ण हो गया रहता है उन व्यक्तियों के शरीर में, तथा जो व्यक्ति अधिक मैथुन करने से और अधिक उपवास करते हैं उनके शरीर में शुक्र और ओज की हानि हो जाती है। शुक्र और ओज ही शरीर के स्नेह अंश है, वह स्नेह के क्षय हो जाने से वायु वृद्ध हो जाती है, पित्त और कफ को उभार कर सारे शरीर में गमन करती है। इस प्रकार से यह जो गमन करती है वायु, तो इसकी वजह से शरीर के अंदर प्रतिशाय, ज्वर, कास, अंगमर्द, शिरःशूल, पाश, स्वरभेद, अरुचि, पार्श्वपीड़ा, स्वरक्षय, अंतताप, इस प्रकार से एकादश लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। ये एकादश लक्षण धातु क्षय जन्य राजेश्मा को सूचित करते हैं, और धातुओं के क्षय हो जाने के कारण इस प्रकार के लक्षणों से प्राप्त होने वाला राजेश्मा जीवन को समाप्त करने वाला होता है। इसी क्रम में अगर हम देखें कि जो विषमाशन जन्य राजेश्मा के कारण संप्राप्ति और लक्षण, कि जो अनेक प्रकार के अन्य और पान को विषम रूप से सेवन करने की वजह से व्यक्ति विशेष में जो शरीर के अंदर पित्तवात, पित्त कफ भयंकर विषम रूप से अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। विषम रूप से आहार का सेवन करने से विषम हुए वात, पित्त कफ दोष, रक्तवाहिनी आदि स्रोतों को रोक कर यक्ष्मा रोग को उत्पन्न करते हैं, और स्रोतों के बंद हो जाने से धातुओं की पुष्टि आहार रस से नहीं हो पाती है, और विषम हुए दोषों के निम्न एकादश रोग प्रकट होते हैं, जैसे कि प्रतिशाय, प्रसेद, कास, वमन, रोचक, ये कफ के लक्षण होते हैं, ज्वर, अंतभिताप, रक्त वमन, ये पित्त के लक्षण होते हैं, एवं पार्श्वशूल, शिरःशूल, स्वरभेद, ये सभी जो है वात के लक्षण होते हैं। इस प्रकार के क्रम से कफ, पित्त एवं वात के लक्षणों को जानना चाहिए, और जो है इस प्रकार से चार प्रकार के कारण से उत्पन्न होने वाले जो एकादश लक्षण है उनका, और चारों प्रकार के जो राजेश्मा है उनका वर्णन किया गया है।
अगर हम राज्य यक्ष्मा रोग के पूर्व रूप देखें कि किस प्रकार के पूर्व रूप राज्य यक्ष्मा के अंदर देखने को मिलते हैं, जो उसके प्रोडर्मल साइंस हैं, तो कैसे पता चले कि राज्य यक्ष्मा होने वाला है भविष्य में, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। पूर्व रूपम प्रतिशायो दौर्बल्यम दोष दर्शनम अदोषेषु अपि भावेषु काये विभक्ष दर्शनम घृणित्वम अश्नश्चय अपि बल मास परिचय स्त्री मध्य मास प्रियता प्रियता च अवकुंठने प्रायो अन्न पाने केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम स्वप्ने केश अस्थिर केश अस्थिराशीनाम भस्मनश्च अपि घूर्णम जलाशयानां शैलानां वनानां ज्योतिषामपि शुष्यतां क्षीयमाणानां पतितां यश्च दर्शनम। इस प्रकार से राज्य यक्ष्मा के पूर्व रूप जो है इनका वर्णन आया है कि राज्य यक्ष्मा के पूर्व रूप अगर देखें तो इसमें प्रतिशाय दौर्बल्य दोष रहित वस्तुओं को भी उन्हें भी दोष का दिखाई देना, शरीर में विभत्सता का दिखाई पड़ना अर्थात शरीर के स्वच्छ रहने पर भी गंदा प्रतीत होना, प्रत्येक वस्तुओं में घृणा होना, उचित भोजन करने पर भी बल और मांस का क्षय होना, स्त्री जो है स्त्री मध्य मांस सेवन की अधिक रुचि रखना, अपने शरीर को उत्तम वस्त्रों से ढके हुए रखने की अधिक इच्छा रखना और प्राय अन्य और पेय पदार्थों में मक्षिका गुण केश तृण का गिरना या दिखाई पड़ना, केश नख का अधिक मात्रा में बढ़ना, स्वप्न में पक्षियों पतंग सिद्धि व्याघ्र एवं शिकारी जीवों से पराजित होना, केश हड्डी के समूह और राख के ढेर पर पड़ना, जलाशयों का सूखना, पर्वतों का गिरना, बाग बगीचों का सूखना, तारा समूहों का या अन्य प्रकाशमान सूर्य चंद्र अग्नि आदि को गिरते देखना, अनेक लक्षण वाले राज्य यक्ष्मा, ये सभी लक्षण जो हैं राज्य यक्ष्मा के पूर्व रूप बताए गए हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें कि राज्य यक्ष्मा के जो है लक्षण और जो है अगर हम देखें कि राज्य यक्ष्मा की संप्राप्ति क्या होती है तो वह कुछ इस प्रकार से है। राज्य यक्ष्मा की सामान्य संप्राप्ति जो है स्रोतसाम सन्निरोधाश्च राज्य यक्ष्मा में कहा गया है स्रोतसाम सन्निरोधाश्च रक्तादीनां च संशयात् धातु ऊष्मणां च अपचयात् राज्य यक्ष्मा प्रवर्तते, यानी कि जब यक्ष्मा रोग के कारणों का सेवन किया जाता है तो अग्नियां विषम हो जाती हैं जिससे आहार और धातुओं का पाक नहीं हो पाता, विशेषकर आहार से कफ का निर्माण होता है, बढ़ा हुआ कफ स्रोतों के मार्गों को बंद कर देता है, रक्तादि धातुओं का क्षय कर देता है तथा धातुओं में रहने वाली सात धातुअग्नियों का नाश हो जाता है और इस प्रकार से राज्य यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति होती है। राज्य यक्ष्मा में अगर हम देखें कि इसके अंदर क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम अगर हम इसके अंदर देखें क्या करना चाहिए तो वह कुछ इस प्रकार से है कि राज्य यक्ष्मा में जो एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज बताई गई है वह है राज्य यक्ष्मा के उत्पन्न हो जाने के बाद खाया हुआ अन्नपान जो कोष्ठ में रहता है उसको अग्नि पचाती है, किंतु पचा हुआ वह अन्य रस प्राय मल बन जाता है और उसमें से कुछ थोड़ा भाग ओज बन जाता है। तात्पर्य यह है कि अन्य रस पूर्ण रूप से मल भी बन जाता है, आगे के रक्त धातुओं का निर्माण नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में राज्य यक्ष्मा रोग से पीड़ित व्यक्तियों के पुरुष की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण धातुओं के क्षय हो जाने से पीड़ित यक्ष्मा के रोगियों का बल पुरुष के ही बल पर आश्रित रहता है। यह जो है राज्य यक्ष्मा के एकादश रूप बताए गए हैं, उसके विशेष प्रकार के एकादश लक्षण होते हैं जैसे कि कास अंशता स्वर्गी ज्वर पार्श्वशूल शिवशूल रक्तवमन
कफ का वमन, श्वास, अतिसार, अरुचि, ये सब इसके एकादश लक्षण हैं। इसके षड रूप भी बताए गए हैं, जैसे कि काश, ज्वर, पार्श्वशोर, स्वर भेद, अतिसार, अरुचि। इसी के अलावा जो है इसमें कुछ अलग अलग लक्षणों के अनुसार कुछ अलग अलग तरह की इसके अंदर संप्राप्ति भी बताई गई है। जैसे कि राजयक्ष्मा का अगर रोगी है तो उसे प्रतिछाय के प्रति किस प्रकार से होती है, प्रतिछाय की क्या संप्राप्ति बताई गई है, या कुछ प्रकार से है कि वायु के द्वारा जिन व्यक्तियों का हृदय प्रदेश भरा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्तियों के नासिका मूल में रहने वाला कफ, रक्त या पेट वायु में के प्रतिगमन करता है। इसके बाद शरीर को कृश करने वाला भयंकर प्रतिशाय होता है। प्रतिशाय हो जाने पर निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। निम्न लक्षण होते हैं शिरा शुरू सिर में भारीपन, नासिका का जो विक्लव, नासिका से गंध का ज्ञान ना होना, ज्वर, काश, कफ का उत्प्रेष, स्वर भेद, अरुचि, स्लम, बिना विश्राम के थकावट, इंद्रियों का कार्य करने में असमर्थता, इसके बाद यक्ष्मा उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जो है इस व्याधि के इस सेशन के अंदर हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि राजयक्ष्मा रोग क्या होता है और इसके क्या कारण है, शास्त्रों में बताए गए हैं किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है। Thank you.